यह परिक्रमा ग्रंथ जिसको इलाही दुल्हन कहा गया, अखंड सौभाग्यवती, इसका हिंदी अर्थ होगा। इस 18वें प्रकरण में एक विशेष चौपाई आती है, हुक्मे मांग्या हुक्म पे सो हुक्मे देवनहार, सो हुक्म फैले सब में हक का सो हक देवनहार। हुक्मे मांग्या हुक्म पे, हुक्म ने हुक्म से मांगा, इसी तरह की चौपाई आती है सिंधी में, हुक्मे दिखाया हुक्म को तीन हुक्मे देख्या हुक्म, भेष्ट दोजक उन हुक्मे आखिर सुख शब्दम। हुक्मे दिखाया हुक्म को, हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखाया। देखिए चौपाई में भाव क्या कहा गया है, एक हुक्म देखने वाला है, एक हुक्म दिखाने वाला है। क्या दिखाया जा रहा है? हुक्म दिखाया जा रहा है। हम सुंदर साथ के लिए भी हुक्म एक कुनैन की बुढ़िया है, जो मन में आता है, कहीं बुलाया जाएगा तो मन में इच्छा होगी तो क्या कह देंगे, हुक्म होगा तो आएंगे। हुक्म की ओट में हम जो चाहें वही कर लेते हैं, कुछ गलती हो गई तो क्या कह देंगे, रांची का हुक्म ही था। अपने मन का पसंद हो गया तो क्या कर देते हैं, उस सब कुछ हम हुक्म को वहाँ लगा देते हैं। कभी हमने विचार किया है कि रांची का वास्तविक हुक्म क्या है? हुक्म का तात्पर्य क्या है? मूल स्वरूप के दिल में जो इच्छा होती है उसको हुक्म कहते हैं, सत्ता की भाषा में। परम धाम क्या है? यदि मैं आपसे पूछूं, जैसे इस संसार में जब ये पृथ्वी बनी होगी तब तो हमारा जन्म हुआ होगा, यह सत्य है कि राज्य अनादि काल से हैं, और आप चर्चनी में पढ़ते हैं, चर्चा सुनते हैं, सब क्या मानते हैं कि राज्य इसमें कहाँ बैठे हैं, मूल मिलावे में बैठे हैं। मूल मिलावे में 64 थंब हैं, ऐसी ऐसी सारी बातें हम जानते हैं। पूरा रंग महल क्या है, जिसमें 9 भौम 10वीं अकाशी है, और पूरा रंग महल माणिक पहाड़ के एक थंबे में समा जाता है। पूरा माणिक पहाड़ बड़ी रंग की हवेलियों के एक थंबे में समा जाता है। तो आप सोचिए, इंतहाए नहीं अर्शभूम का सब चीज़ों नहीं सुमार, तो पहले कौन बना होगा? परम धाम बना होगा कि राजीव? दोनों तो अनादि हैं। अभी मैं आपको विषयांतर नहीं करना चाहूँगा। एक हुक्म होता है, मानते हैं कि राजी के दिल की इच्छा हुक्म है, हुक्मे मांग्या हुक्म पे सो हुक्मे देवनहार। हुक्म ने हुक्म से मांगा और हुक्म ही देने वाला है। अब प्रश्न यह है कि माया का खेल जो मांगा, किसने मांगा? ब्रह्मात्माओं ने मांगा। सिंधी में अभी जो चुपाई मैंने बोली थी, हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखाया। क्रिया बिना द्रव्य के नहीं होती, जैसे कपड़ा है, कपड़ा सफ़ेद है, लाल हो जाएगा तो इसका तात्पर्य लाल रंग से उस पर रंगा गया है, ऐसे नहीं हो सकता। राज्य के दिल की इच्छा से ही सब कुछ होता है। हके हुक्म किया वतन में सो उपजत अंग असल, जैसा उतो देखत तैसा होत मही नकल। आप कहते हैं ना कि परम धाम में हुक्म नहीं है। मैं पूछूं आपसे कि आप कौन हैं, तो आप क्या कह देंगे? एक चौपाई आती है, हम भी भय हुक्म। परम धाम में जब राज्य के अतिरिक्त कोई है ही नहीं तो यह हुक्म कहां से आ जाता है? लेकिन आप जानते हैं, जहां द्रव्य है, जहां स्वरूप है, उसमें इच्छा अवश्य है। अब आप प्रश्न करेंगे कि हाकिम बड़ा कि हुक्म बड़ा, स्वरूप बड़ा कि स्वरूप की इच्छा बड़ी? परम धाम में तो कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, जो स्वरूप है उसकी इच्छा ही स्वरूप है। जैसे कोई बहुत आज्ञाकारी होता है तो क्या कहता है,
कि आपका आदेश है तो वही मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं आपको एक ऐतिहासिक घटना का दृष्टांत देता हूँ कि आदेश कितना सर्वोपरि होता है। सम्राट अशोक का जो सबसे छोटा लड़का था बहुत आज्ञाकारी था, लेकिन उसकी जो छोटी महारानी थी, तीसरी महारानी, वो बहुत अत्याचारी थी, छोटी उम्र की थी। सम्राट अशोक उसके वशीभूत हो गए थे। उसने सम्राट अशोक के एक पुत्र के साथ अनैतिक संबंध चाहा। उसने कहा कि आप तो मेरी छोटी माता है, आप मेरे लिए पूज्य हैं, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? लेकिन उसने बदला लेने का निश्चय किया। सम्राट अशोक अपने तीसरी रानी के इतने वशीभूत रहते थे कि मुहर भी, अशोक की मुहर भी उन्हीं के पास रहती, उसी के पास रहती थी। मैं इतिहास ऐतिहासिक घटना का पर नहीं जाऊंगा, मैं केवल आदेश की बात बता रहा हूं। तो इस संसार में आदेश का महत्व क्या होता है? उस रानी ने सोच लिया कि इसने मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं की तो मैं इसको दंडित करके रहूंगी। सम्राट अशोक ने अपने बेटे को किसी विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। उसने क्या किया, विद्रोह को तो दबा दिया, लेकिन सम्राट अशोक की महारानी ने अशोक की अनुपस्थिति में एक पत्र लिखा और उस पर कह दिया, लिख दिया कि मुझे तुम्हारी दोनों आंखें चाहिए, और मुहर लगा दी अशोक की मुहर। मुहर लगाने का अर्थ क्या होता है? सम्राट अशोक का आदेश। इसलिए राजा को कहा गया है कि राजा जब न्याय करे तो संसार में किसी भी रिश्ते से ना बंधे, क्योंकि रिश्तों से बंधने वाला कभी न्याय नहीं कर सकता है। उसने अपने चतुरता से वह पत्र अशोक के उस पुत्र के पास भिजवा दिया। जब अशोक के पुत्र ने देखा कि पिताश्री ने मुझसे दोनों आंखें मंगवाई हैं, तो अपनी आंखें निकालने के लिए तैयार हुआ। जो उसके सहायक सलाहकार थे, मंत्री थे, सबने कहा कि राजकुमार, आपके पिताश्री कभी आपकी आंखें नहीं मांग सकते। उसने कहा कि जो भी है, पिता ने मेरी आंखें ही तो मांगी हैं, मैं निकाल करके दे दूंगा। मना किया गया, कहा कि नहीं, मैं उनके आदेश को नहीं तोड़ सकता। आप सोचिए, दोनों आंखों से अंधा हो जाता है, क्योंकि वो तो एक षड्यंत्र था। मैं तो आपको माता बता रहा हूं कि आदेश होता क्या है। सम्राट अशोक की एक मुहर का तात्पर्य अशोक का कथन, और अशोक के कथन को उसके पुत्र ने माना अपनी दोनों आंखों दे करके। वह बांसुरी बजाता हुआ भिक्षा मांग करके चल रहा है, साथ में उसकी पत्नी है, क्योंकि दोनों आंखों से अंधा हो चुका था। एक जो जिसको भारत का सम्राट बनना चाहिए था, अब वो बांसुरी बजाते बजाते मगध पहुंचता है, पाटलिपुत्र में। सम्राट अशोक अपने महल के बुर्ज पर बैठे हुए थे, उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी और पूछा कि ये बांसुरी बजाने का ये तरीका तो मेरे पुत्र जैसा है। बुलाया गया, देखा कि इसकी दाढ़ी बड़ी है, क्या हो गया है? सारी बातें सुनी, कहा कि आपने ही तो मुझसे पत्र में मंगवाया था, पत्र देकर कि मुझे दोनों आंखें चाहिए, मैंने दे दिया। सम्राट अशोक को वास्तविकता का पता चल गया कि ये मेरी मुहर तो केवल मेरी छोटी रानी के पास रहती है। जब पूछताछ हुई तो रानी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। लेकिन जो सम्राट अशोक एक चींटी भी नहीं मारता था, क्योंकि उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, न्याय करने के लिए अपनी सबसे सुंदर, सबसे प्रिय रानी को गड्ढे खोदकर जिंदा जी ही दफन करवा दिया। इसको कहते हैं राजा का न्याय, इसको कहते हैं आदेश का पालना। अब हुक्म की मैं व्याख्या करता हूँ राज्य की कृपा से। देखिए, राज्य के जो दिल की इच्छा है वह हुक्म है। दिल क्या है? राज्य के दिल का ही प्रकट स्वरूप पूरा परम धाम है। सखियों का स्वरूप राज्य के दिल से प्रकटा है, प्रकटा नहीं है। जैसे मैं पूछूं कि चंद्रमा में शीतलता कब से प्रकट हुई, तो आप क्या उत्तर देंगे? जब से चंद्रमा है तब से शीतलता है। अच्छा बताइए, गन्ने में मिठास कब होती है? शक्कर में मिठास कब होती है? जब से शक्कर है तब से मिठास है। फूल में सुगंध कब से होती है? जब फूल खिल जाता है तो सुगंध रहेगी, फूल और सुगंध को अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरह से दिल की जो क्रीड़ा का विलास है वो इच्छा पर निर्भर है,
और दिल ही स्वरूप को प्रकट करता है। जब से राजी हैं तब से श्यामा जी हैं, तब से सखियाँ हैं, तब से अक्षर ब्रह्म है और तब से माँ लक्ष्मी है। ये जो अनादि पदार्थ है, अनादि का अनादि नहीं होता, अनादि का कोई कारण नहीं होता। इसलिए सच्चिदानंद परब्रह्म और उनके परम धाम का कोई कारण नहीं हो सकता। अब प्रश्न यह है, हुक्म ने हुक्म से कैसे मांगा या हुक्म ने हुक्म से हुक्म को कैसे दिखाया। एक चौपाइया दी है, हम भी भये हुक्म। हमारे मूल तन कहाँ है? परम धाम में। ये तन चाहे ब्रज में जो आया तन था या जागने के ब्रह्मांड में जो तन आया है, कैसे बना है? राज्य के दिल की इच्छा से परात्म की जो नजर है हमारी आत्मा के रूप में इस जीवों के ऊपर बैठकर खेल को देख रही है। जो परात्म की दृष्टि है राजी के दिल से होकर आ रही है उसी को हम आत्मा कहते हैं। और आत्मा जब इस जीव पर बैठकर एक तन धारण की हुई है तो इसको तन को क्या कहेंगे? हुक्म का तन। उनको माया का खेल दिखाना है, यह खेल बना राजी के दिल की इच्छा से। क्योंकि सखियों को माया का खेल देखने की इच्छा थी, राजी ने यह खेल बनाया, तो इस खेल को क्या कहेंगे? हुक्म का खेल। इल्म का इल्म कहाँ से आता है? साहेब के हुक्म में ये वाणी गावत है मोहम्मद। वाणी आई राजी के आदेश से, राजी के दिल की इच्छा से। हमारा तन प्रकटा, हम नूरी तन वाले हैं लेकिन माया में हमने यहाँ मिट्टी का तन धारण किया है। हमारा तन प्रकटा राज्य के दिल की इच्छा से, तो इस तन को भी क्या कहते हैं? हम भी भयोगम। खेल बना उनके दिल की इच्छा से। सखियों ने खेल मांगा राज्य के दिल की इच्छा से, इसलिए क्या कहते हैं? हुक्मे मांग्या हुक्म पे। हुक्म ने हुक्म से माया का खेल मांगा, हुक्म ने हुक्म से हुक्म को हुक्म दिखाया। राज्य ने सखियों को अपनी इच्छा से जो खेल बनाया था उसे दिखाया। इसी को सिंधी में कहा गया है, हुक्मे दिखाया हुक्म को, तीन हुक्मे देख्या हुक्म। सखियों के दिल में इच्छा पैदा की कि ये मुझसे माया का खेल मांगे। देखिए, हम सुंदर साथ ऐसे तो कह देते हैं कि क्या करें, हमें चौपाई याद नहीं होती, हमारी बुद्धि काम नहीं करती, लेकिन हम इतने चतुर हैं कि अपनी मनमाफिक चौपाइयाँ छाट लेते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना हम स्वयं निर्णय कर लेते हैं और राज्य के हुक्म को अंगूठा दिखा देते हैं। राज्य ने क्या कहा है? ताते हुक्म के सिर दोस्ते बैठ न सके मुँह में। वाणी पढ़ना है तो क्या कह देंगे? हुक्म होगा तो पढ़ लेंगे। चितवनी करना हो तो क्या कहेंगे? राज्य का हुक्म होगा तो चितवनी करेंगे। उनके हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि हमको डायलॉग बहुत अच्छे याद होते हैं। ये चौपाई भुला देते हैं कि ताते हुक्म के सिर दोस्ते बैठ न सके मुँह में, बेशक अर्ज से हो के क्यों खाए पिए करे आराम। ये क्या है? राज्य का हुक्म है, लेकिन हमें क्या चाहिए? खाना पीना और आराम करना। राज्य ने क्या कहा है? पट पहर खाए चिकना हेम जवेर सिंगार, हक लज्जत तय मोमनो जिंदोनी करे मुर्दार। राज्य ने न जाने कितनी बार वाणी में कहा होगा, निस्तिन ग्रहिये प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण। निस्तिन ग्रहिये, प्रतिदिन चितवनी करनी है। राज्य के आदेश को कोई मानता है? 40 लाख की हमारी संख्या है, हर मंदिर में जब प्रातः काल का स्वरूप पढ़ा जाता है तो कहा जाता है कि निस्तिन ग्रहिये प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन। जो पुजारी इस स्वरूप को पढ़ते हैं वो भी खुद नहीं करते और क्या कहते हैं? हम तो राज्य के हुक्म से बधे हैं। सारे देश के सभी मंदिरों में ऐसे ही होता है। हम सुंदर साथ भी वाणी पढ़ते हैं, इस स्वरूप को पढ़ेंगे, अपने घरों में सेवा पूजा करते हैं, हम भी उनका आदेश नहीं मानते। आप सोचिए, सम्राट अशोक का वह लड़का अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए अपनी दोनों आँखें निकाल देता है। हम कहते हैं कि राजी हमारे प्राणेश्वर नहीं प्राण गण्य है, लेकिन उनके हुक्म को सीधे हटा देते हैं। हम भी भये हुक्म, उनके दिल की इच्छा से हम हुए। ये ब्रह्मांड किससे बना? राजी का सतंग अक्षर ब्रह्म, उसके दिल में इच्छा आती है, उनके दिल में ब्रह्मांड बन जाए, पल में अनंत ब्रह्मांड बन जाते हैं। और
जैसे एक चक्रवर्ती सम्राट है, उसका 6 साल का बच्चा धूल में लिपटा हुआ आएगा, उसके सिंहासन पर चढ़ जाएगा। वही भूल एक सामान्य नागरिक का बच्चा कर दे, राजा के सिंहासन पर चढ़ जाए, तो उसकी सजा क्या होगी सबको मालूम है। लेकिन हम स्वयं को ब्रह्मसृष्टि मानते मानते कहीं ना कहीं इतने भटक गए हैं कि हम नहीं सोच पा रहे हैं कि राज्य के आदेशों की अवहेलना करने का क्या फल होगा। आदेश किसका होता है? देखिए, कोई पति बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हो, मान लीजिए कि प्रिंसिपल सचिव हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, प्रधान सचिव जिसको कहते हैं, राज्यपाल हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अपने कर्मचारी को तो आदेश देंगे लेकिन पत्नी को आदेश नहीं दे पाते हैं। पत्नी से आग्रह करते हैं कि मुझे 1 कप चाय पिला दो, कर्मचारी को आदेश दिया जाता है। हुक्म को ही हिंदी में आदेश कहते हैं। लेकिन जब लीला की बात आती है परम धाम में, तो परम धाम की परंपरा क्या है? राज्य श्यामा जी से पूछते हैं कि बताओ कहाँ चलना है। अब श्यामा जी सखियों से पूछते हैं कि बताओ कहाँ चलना है। सखियों की इच्छा पर श्यामा जी निर्भर हैं, श्यामा जी की इच्छा पर राज्य निर्भर हैं। ये किस में होता है? प्रेम की लीला में। आप कितने बड़े अधिकारी होंगे लेकिन जब आप घर में आते हैं, ऑफिस में तो आप सत्ता दिखाते हैं, घर में आते हैं तो पत्नी कहती है दुकान पर जा रहे हो तो ये सामान लेते आना, यदि आप भूल गए हो सकती है झल्लाहट में आपको वो घर लौटने पर बहुत कुछ सुना सकती है, उसको अधिकार है। कहने का तात्पर्य क्या है? जो अपने संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर सकता है, उसकी प्राण स्वरूपा अंग स्वरूपा आत्माएं प्रेम में डूबकर जो चाहती हैं वह उसको करना पड़ता है। हुक्मे पाव पल में, पाक होत कई कोट, एक पल में पाक के करोड़ों रूप बदल जाते हैं। ब्रह्मात्मा जो चाहती है वही होता है। लेकिन इस संसार में हम अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए न जाने क्या क्या पापड़ बेलते हैं, पाठ रखते हैं, मन्नतें रखते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, सिफारिश करवाते हैं किसी ब्रह्मात्मा से, पुजारी जी से, संत महात्मा से, आप राज्य से कह दो तो शायद हमारा काम हो जाए। हम अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते। राज्य ने हमें अपने स्वरूप की पहचान देने के लिए हमारे दिल में इच्छा पैदा की कि हम उनसे माया का खेल दिखा मांगें। इसी को कहते हैं हुक्मे मांगा हुक्म पे, हुक्म ने हुक्म से मांगा और देने वाला कौन है? हुक्म। हुक्म ही हुक्म से मांगता है क्योंकि हमारा जो स्वरूप है राज्य के दिल की इच्छा से प्रकट हुआ है, इस माया का तन धारण किया है, खेल भी बना है राज्य के दिल की इच्छा से, वाणी भी उतरी है तो राज्य के दिल की इच्छा से। इसलिए तो कहते हैं कि इसमें हुक्म और इल्म का खेत है। पुराने पीढ़ी के विद्वान बार बार इस वाक्य को दोहराते हैं, सखियां आई नहीं, राज्य नहीं आए, ये तो केवल हुक्म और इल्म का खेल चल रहा है। तो प्रश्न यह है हुक्म किसने दिया, हुक्म किसको दिया, इल्म कहने वाला कौन है, किसके तन से इल्म कहा गया। जब वाणी कहती है कहलाया हृदय बैठ साक्षात, एक तरफ वाणी करे कि साक्षात राज्य ने मेरे धाम हृदय में बैठकर इस वाणी को कहा है, तो आप क्यों कैसे कह सकते हैं कि यहाँ राज्य नहीं आए, सखियां नहीं आई, केवल हुक्म और इल्म का खेल है? क्योंकि हमने हुक्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझा। मनुष्य के व्यक्तित्व क्या होता है? एक हमारे संस्कृत में घटना ये एक बात कही जाती है, संकल्पमयो पुरुषः। पुरुष कैसा है? संकल्पों का बना होता है। देखिए संकल्प क्या है? मन में विचारों का एक प्रवाह, जो दृढ़ संकल्प कर लिया, दृढ़ विचार कर लिया, मन में दृढ़ किसी सत्य पर तथ्य पर विचार मग्न हो गए और उसको धारणा बना ली कि ये करना है, उसको संकल्प कहते हैं। संकल्प कहाँ से पैदा होता है? ये हमारा स्वभाव है मन का।
जो जैसा संकल्प करता है वैसा ही हो जाता है। मैं आपको एक घटनाक्रम बताता हूं। चंद्रगुप्त बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ है। परिस्थितियों ने मगध के एक महान सैनिक, उसको सेनापति कह सकते हैं, एक महान सैनिक के पुत्र को गरीबी में ला दिया, जबकि वो खुशहाल परिवार था। भोजन के लिए भी लाले पड़े हैं चंद्रगुप्त के घर में। चाणक्य उस बालक की प्रतिभा को निखार देखता है कि एक गरीब घर का बालक है, खेल रहा है, लेकिन इसमें लक्षण तो सारे राजाओं के हैं। और उसको यदि उसकी प्रतिभा को विकसित किया जाए तो सम्राट बनने की योग्यता इसी में है। वो बालक अच्छे कपड़े नहीं पहना हुआ है, गरीबी के लक्षण हैं, लेकिन आंखें तेजस्वी हैं, प्रतिभा है, जो एक राजा को होना चाहिए वो सारे गुण उसमें दिखाई देते हैं। चाणक्य ने उसकी प्रतिभा को विकसित किया। चाणक्य का संकल्प है अखंड भारत, तो परिणाम क्या होता है, चंद्रगुप्त में उस प्रतिभा का निखार होता है और वो भारत का सम्राट बन जाता है। यदि हमारे दिल की इच्छा पर श्यामा जी चलती हैं, श्यामा जी की इच्छा पर राज्य चलते हैं, तो इस जागने के ब्रह्मांड में क्या हमने अपने स्वरूप को कभी पहचानने की कोशिश की है? सागर में एक चौपाई आती है, सो हक को हक देखत इत हुई फरामोशी रंचक। हक को हक देख रहे हैं, हक को हक देख रहा है, क्या राज्य दो हैं? एक और चौपाई आती है, इनों का खुदा नूर हक, त्रिगुण का खुदा कौन है? नूर हक, नूर में ही स्वरूप वाला हक। अक्षर को भी हक कहा, श्यामा जी और सखियों को भी हक कहा, राज्य को भी हक कहा, सभी राज्य के स्वरूप हैं। ये पांचों अद्वैत एक ठौर, राज्य, श्यामा जी, सखियां, अक्षय ब्रह्म और महालक्ष्मी। राज्य हमारी मांगों को पूरा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं और परमधाम के मूल निस्बत का अपमान करने लगते हैं। संसार के जी देखिए, जो तिरुपति का मंदिर है उसमें कई कई किलोमीटर तक लाइन लगी रहती है, जानते हैं क्यों? वहां की मान्यता है कि जो आप चढ़ाओगे उससे ज्यादा मिल जाएगा। हिंदू स्वार्थी होता है, बिना लाभ के वो कुछ करना नहीं चाहता। तिरुपति में जाएगा अपने स्वार्थ के लिए, वैष्णो माता के मंदिर में जाएगा अपने स्वार्थ के लिए। उसको अध्यात्म का वास्तविक बोध नहीं है, हमने भी वो लाइन पकड़ लिया। हम सोचते हैं कि राज्य से गिड़गिड़ा करके ये मांगेंगे तो हो सकता है राज्य पूरा कर दें, या कुछ देने से। हम हृदय देने के लिए तैयार नहीं है, कुछ देते हैं। कुछ देने का अर्थ आप समझ गए, मिठाई चढ़ा दिया, कुछ भोग चढ़ा दिया, कुछ पैसे चढ़ा दिए, और सोचते हैं कि इसको ले लेने से राज्य हमारी इच्छा को पूरी कर देंगे, तो राज्य क्यों करें? इतनी बहनें बैठी हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, आपको किसी चीज की आवश्यकता होती है तो क्या आप प्रार्थना पत्र लेकर साष्टांग प्रणाम करती हैं अपने पतिदेव से कि पतिदेव इसकी इच्छा पूरी कीजिए? पति पहले ही चांटा लगाएगा, ये कहेगा कि इसको किसी डॉक्टर से दिखाएं। इसलिए हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है क्योंकि हमने निस्बत का अधिकार कभी नहीं समझा। हुक्मे मांगिया हुक्म पे सो हुक्मे देखा देवनहार। जो हमारा स्वरूप मांग रहा है राज्य के दिल की इच्छा से। खिलवत में क्या कहा है, कहत कालावत तुम्हें करत करो तुम। जब निस्बत की पहचान होती है तो आत्मा सब कुछ समर्पित कर देते कि राज्य जो आप चाहोगे वही होगा, हमारा तो कुछ है ही नहीं। आपने अभी केतन खिलवत की का गायन सुना था दोपहर में कि जो जानो त्यों करो धनी तुम्हारी मैं, जो जानो त्यों करो धनी तुम्हारी मैं, एक कहने को भी ना कछु मैं कहाँ करूँ तुमसे। मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो आप हैं सो मैं हूं, मेरा कोई अलग अस्तित्व नहीं है कि मैं कुछ कहने जाऊं। मेरा तन अलग है, आपकी इच्छा मेरी इच्छा, मेरी इच्छा आपकी इच्छा। इसलिए राज्य ने क्या कहा है, हम ही है हक हुक्म। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा तो इसलिए मैंने चुपाई बोलती, हम ही है हक हुक्म।
आप जो डरते कांपते रहते हैं ना, क्यों डरते कांपते हैं? क्योंकि आपको निस्बत की पहचान ही नहीं है। एक गरीब की लड़की है, मैं आपको दृष्टांत देता हूँ, तब बात समझ में आएगी हुक्म की। केवल फिलॉसफी बोलते रहूँगा तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। एक गरीब की लड़की है, झोपड़ी में रहने वाली, लेकिन सर्वांग सुंदरी है। जैसे ये आपने नाम सुना है विष्णु पितामह के जो पिता थे, उनका विवाह सत्यवती से हुआ था। सत्यवती किसके घर रहती है? मल्लाह के घर, नौका चलाती है। और परसर ऋषि से गंधर्व विवाह हो चुका है, जिससे व्यास जी की उत्पत्ति हो चुकी है। नौका चला रही है, राजा मुग्ध हो जाते हैं, विष्णु पितामह के पिता शांतनु, और उसे विवाह करना चाहते हैं। वो अनिंद सुंदरी है, वैसी सुंदरी उन्होंने जीवन में नहीं देखी, लेकिन रहती किसके यहाँ? एक मल्लाह के घर, जो नौका चलाकर अपनी जीविका चलाता है। तो आप सोचिए, जब वो विवाह हो जाता है तो पटरानी बन जाती है, और राजा को भी उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। और जब पटरानी नहीं बनी थी तो क्या थी? एक मल्लाह की बेटी ही तो थी। राजा के पास तो उसको खड़े होने का भी अधिकार नहीं था, सिंहासन पर बैठना तो दूर की बात है। आपकी दृष्टि जब तक माया में बनी रहेगी, जब तक आप अपने स्वरूप की पहचान नहीं करेंगे, जब तक आप अपने शरीर को देखते रहेंगे, इस मिट्टी के पुतले को देखते रहेंगे, तो इस मिट्टी के पुतले की तुलना तो आप परम धाम के तन से नहीं कर सकते। हम सुंदर साथ से ज़्यादा बड़े बड़े पदों पर संसार के जीव बैठे हैं, जो नारायण की स्वप्न चेतना के प्रतिभास हैं, उनमें कोई ब्रह्म सृष्टि नहीं है। हमसे ज़्यादा प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, विद्वान, सुंदर, शक्तिशाली लोग जीव सृष्टि में भरे पड़े हैं। उनका संबंध न अक्षर से है, न अक्षरातीत से है, नारायण से संबंध है। हम उनके पास जा भी नहीं सकते, उनसे बोलने का भी अधिकार नहीं, क्योंकि हमारी दृष्टि इस संसार में है। लेकिन जब हम वहां की नजर से देखेंगे तो क्या होगा? इस संबंध में मैं आपको एक घटना बताता हूं। जब औरंगजेब शरीर छोड़ने लगता है तो अपने बेटों से कहते हैं, मुजम और आजम को बुला करके देखो, सबसे लड़ना छत्रसाल से न लड़ना। दोनों बेटे पूछते हैं कि पिताजी, आप इतने भयभीत क्यों हैं? क्या छत्रसाल के पास हमसे ज़्यादा सेना है, वो ज़्यादा शक्तिशाली है? औरंगजेब कहता है कि नहीं, बात यह नहीं है, मैंने स्वप्न में खुदा के दरबार में छत्रसाल को सबसे आगे खड़े हुए देखा है, इसलिए छत्रसाल से लड़ाई करने वाला, उनसे विरोध करने वाला कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। इस संसार की दृष्टि से छत्रसाल जी बहुत छोटे राजा हैं, औरंगजेब तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का बादशाह है, लेकिन उसको भी डर लग रहा है। क्यों? कि उसने देखा कि छत्रसाल की गरिमा क्या है। हम सुंदर साथ यदि अपनी परात्म की दृष्टि से स्वयं को देखें तो पता चलेगा कि वास्तव में हम कौन हैं। जब हम अपने इस संसार की स्थिति को देखते हैं कि अरे, हमारा रूप रंग तो काला कलूटा है, हम झोपड़ी में पैदा हुए हैं, हम तो तृतीय श्रेणी के, चतुर्थ श्रेणी के छोटे से कर्मचारी हैं, भला ब्रह्म सृष्टि हम कैसे हो सकते हैं? जब तक आपके अंदर हीन भावना रहेगी, संसार की स्थिति अलग है, आपके पास धन नहीं होगा, वस्त्र नहीं होगा, आपके पास रूप नहीं होगा, विद्या नहीं होगी, ये स्वाभाविक है, यह उपलब्धि जीव की है। लेकिन यदि आपने तारतम्य वाणी का प्रकाश पा लिया, आप अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर प्रतिदिन राज्य को जी भर करके देखने का प्रयास करते हैं, भीगे हुए नेत्रों से परम धाम का संबंध लेकर के रिझाते हैं, तो जो आप चाहेंगे राज्य को पूरा करना पड़ेगा। तभी तो कहा है, एक बार तो मुझे पुकारो परम धाम के पास, मैं लिखा है तुमको, एक बार करो मुहे साथ, दस बार जी जी करूं कर तुमको याद। राजी,
आपसे नारियल नहीं मांगते हैं, आपसे नहीं कहते हैं कि 5,000-10,000 रुपया खर्च करके पाठ रख दो, आपसे मिठाई का पैकेट नहीं मांगते हैं, आपसे 2-2 लाख के बागे नहीं मांगते हैं, आपसे केवल दिल चाहते हैं, क्योंकि वो प्रेम के अनंत सागर हैं। जब वो देखते हैं कि मेरी अंगनाएं माया में जानकर दुनिया के जीवों की बात, जैसे मैंने कहा है ना कि वैष्णो माता के मंदिर के दर्शन से क्या लाभ होता है, तिरुपत मंदिर में दर्शन से क्या लाभ होता है, गणेश जी सारे विघ्नों को दूर करते हैं तो हनुमान जी वो भी संकट टाल देते हैं, काली माता कुछ और दे देती हैं, तो हिंदू अपने स्वार्थ के अनुसार कहता है, राज्य चाहते हैं कि ये मुझे अपना हृदय दे दें। और जैसे परम धाम में कहती थी कि राजी श्यामा जी वहाँ चलना है, श्यामा जी की इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ता है, उसी अधिकार से एक बार तो मेरे से कहें कि राजी ये कर दो, भला क्यों नहीं करूँगा। इसलिए कहती हैं, मैं लिखा है तुमको एक बार करो मुझे साथ, 10 बार जी जी करूं कर तुमको याद, मैं तुम्हारे आगे एक पुकारने पर 10 बार जी जी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन यदि तुम संसार के जीवों की तरह साष्टांग लेटकर प्रार्थना पत्र दोगे तो मैं तुम्हारी इच्छा कभी नहीं पूरी करूंगा। और यही है, हमारे अंदर प्रेम नहीं, समर्पण नहीं, श्रद्धा नहीं, हम नौधा भक्ति लेकर चलते हैं राज्य को खुश करने के लिए, तो राज्य खुश तो नहीं होते, उल्टे रूठ जाया करते हैं। लेकिन शरीयत का ऐसा राज्य है कि आप कहीं जाइए, यदि आप शरीयत में पारंगत नहीं है तो ये संसार शरण भी नहीं देगा। मुझे भी तो डर लगता है, कहीं मंदिर में चला जाऊं, कहीं कह दिया गया कि स्वरूप सुनाइए तो मैं तो भूल जाऊंगा, तो हो सकता है मुझे उस मंदिर में ठहरने को भी जगह ना मिले। ये सरा तोरा की दुनिया है, कर्मकांडों की दुनिया है, ये प्रेम की दुनिया नहीं है, घृणा का संसार है। इस घृणा राग द्वेष के संसार से यदि आपको परम परे होना है, परात्म के श्रृंगार को सजना है, राज्य का प्रेम पाना है, हुक्म को समझना है, हुक्मे दिखाया हुक्म को, हुक्मे देखा हुक्म, जो राज्य का हुक्म है, हमारा स्वरूप ही तो राज्य के दिल की इच्छा से है, तो हमारे और उनमें परात्म के दृष्टि कोई भेद नहीं होता है। लेकिन जब तक उस स्वरूप को हम नहीं समझ पाते हैं तब तक हम बिलखते रहते हैं, हम डरते रहते हैं, कांपते रहते हैं और असहाय अवस्था में सोचते रहते हैं, कभी कभी खींच भी निकालते हैं, कभी कभी ईमान भी गिरा देते हैं कि राज्य जब हमारी एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करते तो बिल्कुल हमें भी कोई मतलब नहीं है। ऐसे नकारात्मक विचारधारा से क्या होता है, हमारी सबसे अधिक हानि होती है। आप इन द्रौपदी जी का एक कथन याद कर लिए, जिया हूं तिहा तमे चले आओ, मैं जहां हूं चुपचाप सीधे आओ, जो मैं कहती हूं करो, लेकिन इसके पहले स्वयं को लुटा दीजिए, ये हमसे नहीं हो सकता। इसलिए हम हुक्म की वास्तविक व्याख्या नहीं समझ पाते। आज समय कम है इसलिए मुझे भी बंद करने के लिए विवश होना पड़ा है। ये हुक्म के ऊपर कई बार चर्चा हो चुकी है, परिक्रमा ग्रंथ में ये चौपाई मुझे दिखी और इसकी चर्चा के लिए तो राज्य की कृपा के छत्र छाया में बहुत समय चाहिए। मैंने थोड़े शब्दों में प्रकाश डालने का प्रयास किया है कि जिस दिन हम निस्बत के स्वरूप को समझ जाएंगे कि हमारा निज स्वरूप क्या है, उस दिन ही हम हुक्म को समझेंगे। हम निस्बत को केवल पढ़ते हैं, समझते नहीं, थोड़ा बहुत समझते हैं तो यथार्थ रूप से पहचानते नहीं। जिन्होंने निस्बत की पहचान कर ली उन्होंने सब कुछ पहचान कर ली। आप देखिए, जब तक निस्बत की पहचान नहीं होती है तब तक एक चौपाई क्या होती है, रूहे इश्क मांगे धनी पे पकड़ पिया के कदम, और यदि निस्बत की पहचान हो गई तो इश्क मांगो तो भी गुना और खुदी ये भी गुना हो। सागर ग्रंथ में निस्बत के प्रकरण की अंतिम चौपाई का क्या कहती है, श्री महम्मद कहे ए मोमिनो, ये निस्बत इश्क सागर
लो प्याले हकुम में पियो फूल भर भर। ये निस्बत इश्क सागर, अक्षरातीत इश्क के सागर हैं, तो आप भीख मांगने वाले नहीं हैं, आप भी इश्क के सागर हैं। अक्षरातीत मेहर के सागर हैं, तो आप भी मेहर के सागर हैं। लेकिन इस संसार में तो मेहर का गोटा लेकर आप बैठते हैं। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, आप तो प्रतिदिन 108 बार मेहर सागर का पाठ कीजिए, नहीं तो ये शरीयत का समाज मुझे ही दंड देना लगेगा कि राजन स्वामी ने इसके विरोध भी करना शुरू कर दिया। मैं क्यों विरोध करूँ? मैं तो केवल इतना कहता हूँ कि अपने निज स्वरूप को पहचानेंगे तो आप हुक्म को पहचान जाएंगे, निज स्वरूप को पहचानेंगे तो मेहर के सागर को पहचान जाएंगे। और जिसने निस्बत को पहचान लिया वो जानता है कि मेहर होगी मेरे दिल की इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। और एक जागृत आत्मा राज्य से क्या चाहती है? वो केवल राज्य को चाहती है, निस्बत का अधिकार मांगती है, प्रेम का अधिकार मांगती है। मांगती नहीं है, ले लेती है। अधिकार मांगा नहीं जाता है, लिया जाता है। और जो अधिकार लेना ही नहीं जानता वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ, अधिकार लेने से पहले कर्तव्य की कसौटी पर स्वयं को समर्पित होना होता है। अब समय इजाजत नहीं देता है, मैं इसको कल की चर्चा में अवसर मिलेगा तो पूरा करने का प्रयास करूँगा।